आज जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने औरैया सदर से विधायिका गुड़िया कठेरिया जी से खास की बातचीत। गुड़िया जी ने कहा कि 2022 में जो कार्य पूर्ण नहीं हो पाए थे उन्हें 2023 में पूर्ण कराएंगे। मुख्यतः स्वास्थ्य शिक्षा किसानों पर मुख्य फोकस रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीडांचल क्षेत्र में छात्राओं के लिए एक महाविद्यालय बनवाने के लिए प्रयासरत हैं। नगर निकाय में ओबीसी के आरक्षण के ऊपर उन्होंने कहा सरकार की मंशा साफ है, ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही समस्त विधानसभा और जनपद प्रदेश और देशवासियों को नव वर्ष और मकर संक्रांति गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आगे देखिए संपादक विनय के साथ कैमरामैन सुदीप की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजे न्यूज 24/7। आज आए हैं औरैया जनपद में, जिनसे आज बात करने के लिए बीच में उपस्थित हैं वो किसी पर्चे की पर्चायत फ्री नहीं है। लास्ट टाइम भी दो तीन बार आपसे पर्चे कराया है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं सदर विधायिका गुड़िया कठेरिया जी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। प्रथम तो मैम आज आपका जन्मदिन भी है और आज हैप्पी न्यू ईयर भी है। सर प्रथम तो आप हमारी तरफ से आपको बधाई। हमारे तरफ से हमारे पूरे क्षेत्रवासियों जी नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अपने जन्मदिन पर सभी अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देती हूँ। मैम आपसे जानने का प्रयास करेंगे, जो आपने कहा बधाई देते हैं नव वर्ष की या गणतंत्र दिवस की, अब आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे 2022 में और 2023 में, आज 1 जनवरी 2023 है, आप ऐसा क्या क्या आपने सोच रखा है या क्या क्या चेंजमेंट करेंगे जो आपने बधाई के रूप में विकास कार्य के रूप में आप चेंजमेंट करके विधानसभा औरैया या औरैया जनपद को उपलब्ध कराएंगे? हमने 2022-23 के लिए जो सोच रखा है जैसे गांव की रोड सही होना चाहिए, नाली नाला जो हमारे निधि से काम चलता है, ऐसे बहुत से गांव हैं जिसमें काम हमारे रोडें बन रही है, नाली भी बन रही है और आने वाली 23 तारीख उसमें हम अधिक से ज़्यादा ही सोचा है। जैसे हमारे किसान देखते हैं हम जब रात में निकलते हैं तो गाय साड़ को लेके बहुत परेशान, तो हमने मुख्यमंत्री जी को लेटर भी लिखा इसको बहुत जल्दी पर इसकी व्यवस्था कराई जाए जिससे हमारे किसान बहुत अच्छे से रह सकें घर। और 2023 के लिए और 22 के लिए और आने वाले समय के लिए जैसे प्राथमिक विद्यालय बहुत अच्छे विद्यालय हों जो अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को जो गरीब परिवार से बाहर नहीं पढ़ा सकते, तो हमारी मानना ये है कि हम हर विद्यालय में भी जाते हैं, अभी शूटर भी वितरण किए अपने गाँव और एक विद्यालय मैंने गांव गोद लिया अपने गांव का, तो उसको हम एक ऐसा मोटिवेट करवाएंगे जिससे अच्छी से पढ़ाई हो और गैल द्वारा और वैसे भी मांग करी प्रशासनिक कि ये अच्छा सा हो जाए जिससे हमारे बच्चे गरीब परिवार के पढ़ सकें, तो यही हम कार्य कर रहे हैं। दूसरा एक हॉस्पिटल के लिए CSC PSC को लेके बहुत ज़्यादा वहाँ पहुँचते हैं उसको सुधार करने की। सर मैम जैसी आप बात कर रही हैं हॉस्पिटल लाइन में आप देखा मेडिकल सेक्टर में आए दिन हो रही है, आप देखा होगा कि आप जर्जर अवस्था बनाई रहती है, आए दिन आपने देखा होगा जैसे हॉस्पिटल में लोग पहुँचते हैं तो जैसा कि कोविड के सिम्टम्स आने लगे हैं, हॉस्पिटल में जाके पता चलता है कि कोविड की वैक्सीन ही नहीं है, इस क्षेत्र में कोई सुधार करने के लिए आपने कोई प्रयास करेंगे या नहीं है, ऐसे इसको सोच रखा हो या आपने प्रस्तावित कर रखा हो उसके बारे में? अगर ऐसी बात है तो हम जरूर उनको स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र लिखे और इस व्यवस्था को पूर्ण करवाएंगे और जहाँ तक होगी कि हमारे किसी को भी किसी प्रकार की समस्या ना आए पाए तो उसे हम मुख्यमंत्री जी को ये अवगत कराएंगे कि हमारे CSC PSC गरीब परिवार से जाते हैं, अगर उन्हें इस प्रकार की कहीं पर दिक्कत आती है तो उसके लिए हम मांग करेंगे और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे कि ये समस्या उसकी समाधान हो। मैम जैसा कि आपने देखा होगा कि नगर निकाय इलेक्शन का जो बिगुल बज गया था, अधिसूचना भी जारी हो गई थी, पाँच सात दिन पहले हाई कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि जो ओबीसी की सामान्य सीटें हैं वो जनरल में कन्वर्ट कर दी जाए, जो ये आदेश आया हाई कोर्ट का इसके ऊपर मैम आपका क्या मत है? ये हमारा मत है कि जो ओबीसी का हक है वो उनको मिलना चाहिए और सरकार पूर्ण तरीके से इस पर काम कर रही है, जो ओबीसी का है आरक्षण है तो उनको मिलना चाहिए और हम भी उसके लिए मैंने भी पत्र भी लिखा था तो जो ओबीसी का हक है वो मिलना चाहिए और उस पर सरकार भी काम कर रही है। आपसे जानने का प्रयास करेंगे मैम, अंतिम सवाल मेरा आपसे है कि जैसा कि आप भी महिला है और यह सदर विधानसभा के लिए और यह जनपद के लिए महिलाओं के लिए कोई चेंजमेंट सोचा हो अपने 2023 के लिए?
मैंने महिलाओं के लिए एक कॉलेज के लिए सोचा है, जैसे मैंने बेढ़ा पट्टी की हमारी छात्राएं हैं वो नहीं आ पाती हैं कस्बे में, तो मैंने एक पत्र भी लिखा है, दिया है लिख के कि हमारी जो बेढ़ा पट्टी की छात्राएं हैं वो नहीं आ पाती कस्बे में, तो हम एक इंटर कॉलेज वहाँ खुलवाने के लिए और उसमें प्रयास भी कर रहे हैं। बार बार मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र दिया है और शिक्षा मंत्री को जो मैंने मांग करी है इस पर कि ये हमारे यहाँ कहीं भी बन जाए, जिससे हमारी छात्राएं जो दूर दराज से आती हैं कस्बा में नहीं औरैया है बालक को नजीक में नहीं आ पाती हैं, तो उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था हो जाए कॉलेज की जो वो अपनी बेढ़ा पट्टी की हमारी छात्राएं पढ़ लिख के वो कुछ बन सके। मैम आपसे जानने का प्रयास करेंगे, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बता दिया था, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनपद वासियों को, देशवासियों को, प्रदेश वासियों को, इसके अलावा और नव वर्ष के उपलक्ष्य में क्या मैसेज देना चाहेंगे? नए वर्ष में हम अपने सभी क्षेत्रवासियों को और नगरवासियों को और सभी को बहुत बहुत ढेर सारी कामनाएं देते हैं और हम उनके बीच में हमेशा रहेंगे और अच्छे कार्य करेंगे और 5 साल हमारे लिए, हमारे भाइयों के लिए, हम उनके लिए यहाँ खड़े उतरेंगे। बस यही हमारी शुभकामनाएँ हैं सबके लिए और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई सभी। आप देख रहे थे हमारे साथ उपस्थित थी सदर विधायक गुड़िया जी, उन्होंने बड़े सरल स्वर से बताया कि 2022 और 2023 में काफी चेंजमेंट करने के लिए प्रयासरत हैं और जो भी वीडियो में उन्होंने बता भी रखा है, जैसे कि सबसे प्रथम तो उन्होंने सबसे अच्छी उनकी बात मुझे ये लगी, जैसा कि आपने भी सुना होगा कि 2023 में उन्होंने ये बताया बालकों के लिए, महिलाओं बालकों के लिए एक महाविद्यालय या कॉलेज बनवाने के लिए प्रयासरत है, मेढ़ा पट्टी को जगह बता रही थी, साथ ही साथ मेडिकल सेक्टर हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे सड़कें हों, कोई भी सेक्टर हो, उसमें 2022 से 2023 में काफ़ी चेंजमेंट देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जब आरक्षण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा है कि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि OBC का हक मिलना चाहिए, साथ ही साथ समस्त विधानसभा वासियों को, जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को नव वर्ष गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। देखते रहिए न्यूज़ 24x7। धन्यवाद।